खबर यूपी के कानपुर से है, जहां लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और कानपुर नगर आयुक्त सतीश कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में पहुंचे लोगों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी अपनी अपनी समस्याओं को सांसद के सामने रखा, जिसमें से आवास विकास विभाग की समस्याएं सबसे अधिक सामने आई। लोगों का आरोप है कि अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस पर सांसद ने कहा कि आवास विकास की शिकायतें बहुत ज्यादा हैं, अगर जल्द से जल्द इनका निवारण नहीं हुआ तो सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कानपुर महानगर पूरे देश का मैनचेस्टर है और वो समस्याएं ज्यादातर संबंधित है कानपुर नगर निगम से, कानपुर विकास प्राधिकरण से, आवास विकास से, जल संस्थान से। इसलिए हम सब लोगों ने ये उचित समझा, एक साथ कभी कभी ऐसा आता है कि समस्या किसी विभाग की है और हम किसी विभाग उन सब लोगों को कहा था और उस संबंध में हम नगर आयुक्त महोदय शर्मा जी और आपके आवास विकास अधिकारी, कानपुर का विकास प्राधिकरण अधिकारी, जल संस्थान के जल निगम नहीं आए हैं, उनके खिलाफ लिखेंगे, हम जानकारी करेंगे किन कारणों से नहीं आए। अब इस संबंध में आप मुझे अगर कोई लिखित देंगे और स्पेसिफिक कोई समस्या होगी तो मैं निश्चित तौर उसकी जांच करा करके जो विधिक कार्रवाई कराऊंगा। उसी दिशा में आप जो कह रहे हैं आवास विकास से संबंधित ज़्यादा समस्याएं थी, इसीलिए आवास विकास में कम जगह होने के बाद भी हमने इस बैठक को रखने का काम किया है। कई शिकायतें ऐसी हैं कि सभी से संयुक्त रूप से विशेषतः ये शिकायतें आई हैं कि जो आवास विकास की कॉलोनियाँ जब भी हैंडओवर नहीं हुई हैं वहाँ पे जन सुविधाओं को लेकर समस्याओं को लेकर शिकायतें आई हैं। तो निर्णय ये लिया गया है कि आवास विकास के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी निरीक्षण करेंगे इन कॉलोनी का और जो भी वहाँ पे कमियाँ हैं जन सुविधाओं के संबंध में उसको आवास विकास दूर कराएगा या उसकी धनराशि नगर निगम को उसको सौंपेगा और फिर नगर निगम काम करा के या आवास विकास कार्य कराकर हैंडओवर करेंगे या आवास विकास इस कार्य की धनराशि को देकर हैंडओवर करेंगे और फिर हम लोग इसको टेकअप करेंगे और जब नगर निगम टेकअप करेगा तो जो भी नागरिक सुविधाएं जो भी नगर निगम की तरफ से संभव है देने का प्रयास करेंगे। कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट।